थोड़ा सा फिर हमारे बच्चे, अरे नहीं नीम नहीं बनेगा भाई, आ जाइए। अरे बहुत 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 ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, बस बस बहुत बहुत टेढ़ा क्वेश्चन नहीं रहेगा। आइए ना, आइए आइए ना, आइए पहले आइए। आप आपका स्वागत है। किस कोर्स में है आप यहाँ बीएचयू में? बीएससी स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट ईयर है? थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर है, अच्छा। तो इस विश्वविद्यालय में आप जब आए हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ सबसे खूबसूरत क्या लगा आपको? यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की हरियाली। आपको क्या लगा यहाँ पे सबसे खूबसूरत? ऑफ कोर्स यहाँ का ये ग्रीनरी, विश्वनाथ मंदिर और हरियाली यहाँ का। अच्छा, ये विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आप बताइए। पता नहीं, नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं। 1916 में हुआ था, दो साल में, 1916 में हुआ था, आप जान लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में थी, चलिए कोई बात नहीं, तो क्लियर हो गया ना, अब आगे से क्लियर। चलिए, थैंक यू। रुकबा, अठारह क्यों हो गया था? अरे प्लास्टर होते होते टाइम लग जाता है ना। अच्छा, अच्छा, चलिए। ये लोग साइंस वाले हैं, कहते हैं कि हम नहीं बता पाएंगे। मैंने मालवीय जी ने केवल कला संकाय की स्थापना की थी बताने के लिए। आपका सब्सक्राइबर आपका फर्ज नहीं पाएगा, एक जोड़ा खोज कर देंगे आपको। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे उस साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए? क्या बोले थे? क्या बोले थे? अरे यही लोग चलते हैं, हमारा विश्वविद्यालय का रैंकिंग गिरते जा रहा है, एनआरआई पर रैंकिंग। हाँ, क्या और क्या बोले थे? क्या बोले थे? नरक, क्या बोले थे? नरक चली गई। एक्सक्यूज मी, आप लोग कुछ बताना चाहेंगी? कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, जा रही हैं बीएचयू के बारे में, बीएचयू के बारे में कुछ बताइए, बीएचयू के बारे में कुछ बताना चाहेंगे बीएचयू के बारे में? आप लोग बीएचयू के छात्र हैं? हाँ। सभी लोग हैं ना? आइए आइए आइए, चलिए। आप सभी का स्वागत है। आप सभी बीएचयू की छात्राएं हैं। किस कोर्स में एडमिशन लिए हैं आप लोग? हम बीएलएलबी में। बीएलएलबी, आप लोग का बी? सब बीएलएलबी वाले हैं? नहीं, हमारा आर्ट्स है। आप बीए से? आप दोनों बीए से हैं और आप दोनों बीएलएलबी से? नहीं, हम सिर्फ एलएलबी। अच्छा, आप जो विधि संकाय की हैं, तो आज मालवीय जी की जयंती है, ठीक है ना? तो आप बता सकते हैं कि मालवीय जी की माता जी का क्या नाम था? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी ये तो जानती होंगी ना? विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। 1904 में, 1904। हाँ, पास पहुँच रहे। नहीं, 04 नहीं, 1916 में। हाँ, बोली बोली बोली। हाँ, सही बोली, बोल रही हैं। 1916। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए 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 चलिए, एक एक आंसर आप लोग का सही है। आइए, कुछ बाहरी लोग भी शायद हैं। भैया, आप विश्वविद्यालय के तो हैं नहीं कि विश्वविद्यालय के हैं? विद्यालय के नहीं, बनारस के। बनारस के हैं, वाह, चलिए बनारस के हैं। आप मालवीय जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना काशी में उन्होंने स्थापित किया, तो काशीवासियों को, काशीवासियों की तरफ से आप मालवीय जी को क्या कहना चाहते हैं? मालवीय जी को क्या कहना चाहते हैं? मालवीय जी खुद ही बड़े हुए हिंदुत्व के, साहित्य के उठे। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर दीदी लोग बैठी, इनसे बात करते हैं हम लोग। आइए, आप आपका आपका शुभ नाम? रश्मि केशरी। रश्मि, रश्मि अभी वाराणसी से हैं? यस। चलिए, तो ये जो आप ही बता दीजिए, जो प्रश्न भाई साहब के लिए, तो आपके लिए आप ही बता दीजिए कि आप काशी वासियों की ओर से आज मालवीय जी की जयंती है, जन्म जयंती है, तो मालवीय जी को क्या आप निवेदन करती हैं? यही कि बड़ी चिट्ठी बनाई और हम लोगों को इतना बड़ा वो दिखा, यही सब कहना चाहते हैं। और हरिओम, नमो नमः, आप सभी का बीएचयू पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उस प्रांगण में खड़ा हूं, जिसे विश्वनाथ टेंपल कहते हैं, ठीक है, विश्वनाथ मंदिर। और आज की जो तिथि है वो अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही उस पुण्यात्मा का जन्म हुआ था जिसने वृहद
स्वरूप देकर के इस विश्वविद्यालय का इसे निर्माण कराया है। तो आइए, हम लोग तो मालवीय जी के छात्र ही हैं, मालवीय जी के मानस पुत्र हैं, और यहाँ पर जो पढ़ने वाले छात्र हैं, आइए हम लोग उनसे थोड़ा देखते हैं और जानते हैं कि वो लोग मालवीय जी के बारे में कितना जानते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, किसी को पकड़ते हैं। भाई साहब देखिए, यहाँ पर भाई साहब बैठे हुए हैं, आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम भाई साहब? शशांक। शशांक, आप यहाँ विश्वविद्यालय के छात्र हैं? हाँ। भाई साहब विश्वविद्यालय के छात्र हैं, किस कोर्स में हैं? डेयरी टेक्नोलॉजी। जी डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मालवीय जी का जन्म जयंती है, आपको पता है। हाँ। थोड़ा ये बता सकते हैं कि मालवीय जी का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं, आइडिया नहीं। आपको भी नहीं आइडिया? चलिए, आपको भी आइडिया नहीं है, आइए। नहीं, आंसर भी नहीं बताएंगे, बाद में आइए। इधर भाई साहब कुछ लोग बैठे हैं, थोड़ा इनसे भी परिचय लिया जाए। जी भाई साहब, आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरिशंकर झा है और मैं यहीं से फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से। आप विश्वविद्यालय के छात्र हैं? यस। अच्छा, थोड़ा ये बता सकते हैं कि मालवीय जी का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, मालवीय जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका शुभ नाम? केशवकांत मिश्रा। केशवकांत मिश्रा, आप भी विश्वविद्यालय के छात्र हैं? आप दोनों तीनों लोग विश्वविद्यालय के छात्र हैं। अच्छा, तो बता सकते हैं कि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916। वाह, आप, वाह, बहुत सुंदर। ये विद्यार्थियों को बहुत अच्छी जानकारी है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और किसी लोग से देखते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? पुष्कर राज आनंद। विश्वविद्यालय के छात्र हैं? जी, मैं डीएवी से। कोई बात नहीं, वो भी तो विश्वविद्यालय से संबद्ध है। जी। तो आज जिस शुभ पुण्य आत्मा का जन्म जयंती है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में मदन मोहन मालवीय जी, जो हमारे संस्थापक हैं बीएचयू के, उन्होंने जो निचले स्तर के लोगों के लिए जो उन्होंने किया है, वो काबिले तारीफ है। वो हम लोग के लिए एक वरदान के स्वरूप है। तो आज के जयंती के रूप में हम उन्हें नमन करते हैं। आप इतने यहाँ पर सारे ये भी देख रहे होंगे आप? जी जी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम उनके इस जो उन्होंने अपना योगदान दिया, उसे हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, इधर भी कुछ लोग बैठे हैं, हम लोग उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, लोग यहाँ मोबाइल देख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रखर है। प्रखर, आप विश्वविद्यालय के छात्र हैं? आप भी हैं? जी। अच्छा, आप हाँ, मित्र हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जो इस विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, जी, उनका आज जयंती है। जी। तो उनके बारे में आप दो शब्द कह सकते हैं? पहले तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन भी यहीं से हुआ और फिर मेरा एमए इंग्लिश लिटरेचर से यहीं से हो रहा है। तो फिर भगवान विश्वनाथ और मालवीय जी की असीम अनुकंपा है कि हम 2020 से अभी तक यहाँ पर हैं। और यही कहेंगे कि अगर बीएचयू में भगवान विश्वनाथ जी के बाद कोई सबसे ज्यादा पूज्य हैं तो मालवीय जी हैं, हमारे मानस पिता हैं। जय महामना, जय महामना की कामना, सद्भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। अच्छा, ये बताइए कि मालवीय जी की माता जी का क्या नाम था? उनकी माता जी का नाम श्रीमती मूना देवी। वाह, जय। चलिए, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भी यहाँ पर कई सारे विद्यार्थी बैठे हैं उसी क्रम में। आपका शुभ नाम? आशीष दीक्षित है मेरा नाम। आप किस विभाग से हैं? हिंदी विभाग से। वर्तमान में छात्र हैं विश्वविद्यालय के? हाँ, हमारा यहाँ से छात्र हैं। चलिए, तो आप ये बताइए कि जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना किसने और कब की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की 1916 में। बहुत सुंदर। आप इस विश्वविद्यालय के बारे में कोई एक सुंदर सा बताइए, इस विश्वविद्यालय की सबसे बढ़िया खूबसूरती क्या है यहाँ की? यहाँ पर खूबसूरती हर एक विभाग में लाइब्रेरी के साथ साथ और कर दो। कोई बात नहीं। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इधर हम लोग देखते हैं। भाई साहब लोग बैठे हैं, आपका स्वागत है। क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ रंजन। सौरभ रंजन है, कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली बिहार से हूँ। बिहार से। विश्वविद्यालय के छात्र हैं आप? जी। किस कोर्स में हैं? मैं एमए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अच्छा, तो आप मालवीय जी के पिताजी का क्या नाम है जानते हैं? नहीं, आपको पता है? ब्रजनाथ, पंडित ब्रजनाथ। ब्रजनाथ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई साहब ने बताया। और कोई बात नहीं, नाम मोना देवी। माता जी का नाम? मोना देवी। मोना देवी, बहुत सुंदर। तो उनकी पत्नी का भी नाम बता दीजिए। नहीं, पत्नी का नाम तो नहीं पता है। कोई बात नहीं, आगे हम लोग बात करते हैं कि पत्नी का क्या नाम था मालवीय जी की। हाँ, आइए इधर से हम लोग चलते हैं थोड़ा।
यहाँ पे बहुत सारी जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, यहाँ विश्वविद्यालय की हैं। आइए हम लोग इनसे भी कुछ बात, छात्र हैं या नहीं है विश्वविद्यालय में, बात कर लेते हैं एक बार। कुछ विशेष चर्चा परिचर्चा हो रही है। आप एक्सक्यूज मी कुछ आप लोग कुछ विश्वविद्यालय के हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं अच्छा, विश्वविद्यालय के नहीं है। चलिए, विश्वविद्यालय के आप लोग नहीं है। आइए जो विश्वविद्यालय से उनसे बात करते हैं। इधर भी कुछ लोग बैठे हैं। आप लोग विश्वविद्यालय के छात्र हैं? किस कोर्स में हैं आप लोग? बीएससी कर रहे हैं। बीएससी आप? हम तीनों बीएससी, तीनों बीएससी के हैं। वाह, अच्छा। तो आज जिस महामानव का, महामना जी का जिस जो जयंती है, जन्म जयंती है, थोड़ा उनके बारे में आप बताना चाहेंगे? थोड़ा कैमरा उधर देखिए, कैमरे पे देखिए, बताना चाहेंगे आप लोग? देखिए, वो जो थे, मतलब कि जिस समय, मतलब जिस टाइम पे विश्वविद्यालय का वो किए थे, स्थापना किया, तो उस समय आप जानते हैं कि देश में कितना वो था। उस समय ऐसी मतलब सोच रखे थे वो। हाँ, इतनी ऐसी विशाल सोच की, इतने बड़े विश्वविद्यालय की परिसर की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, मालवीय जी की माता जी का नाम जानते हैं आप? कुंदन देवी था शायद, कुंदन देवी जी। और पत्नी का नाम? पत्नी का नाम इसकी जानकारी नहीं। मुना देवी या कुंदन देवी? कुंदन देवी। कुंदन देवी मालवीय जी की पत्नी का नाम था, मुना देवी। और मुना देवी मालवीय जी की माता जी का नाम था। चलिए, धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग और भी आगे किसी को देखते हैं। यहाँ पर ये दो भाई लोग जा रहे हैं। भैया एक्सक्यूज मी आप विश्वविद्यालय के छात्र हैं? नहीं। अच्छा, आप छात्र नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। जो छात्र, हम लोग छात्रों से ही बात करते हैं। आप विश्वविद्यालय के आप छात्र हैं? चलिए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीलम है। नीलम है। किस कोर्स में है आप? मेरा एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, तो विश्वविद्यालय की आप छात्र हैं। आप ये बता सकते हैं कि मालवीय जी की माता जी का क्या नाम था? नहीं जानकारी। मालवीय जी की माता जी का नाम नहीं जानकारी। आप, आपका शुभ नाम? सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा। मालवीय जी को जो भारत रत्न मिला है, कब मिला है आप बता सकते? ये तो नहीं बता सकता, पर ये बता सकता हूँ उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इनको ये। वाह, इतनी बहुत बड़ी बात है। उनके माता पिता का नाम बता सकता हूँ? वाह, चलिए कोई बात नहीं। माता जी का क्या नाम था? मुना देवी। इनके पिता का नाम पंडित ब्रिजनाथ था। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 25 दिसंबर 1861 में। उनकी मृत्यु 12 नवंबर 1946 में हुआ। बहुत सुंदर, बहुत। और इनको नोबेल पुरस्कार भारत रत्न, हाँ, भारत रत्न से सम्मानित थे ये। और इनका मृत्यु इधर ही बनारस में हुआ। किस कोर्स में है आप? मैं बीएससी पास हूँ, बीएससी बायो से, ग्रेजुएशन आजमगढ़ से। वाह वाह, चलिए चलिए, आइए हम लोग और भी किसी लोग। चलिए, चैनल मिलते हैं, चैनल नाम है बीएचयू पाठशाला भाई। चलिए भाई लोग, हेलो भाई साहब, भाई साहब थोड़ा सूर्यताम सुनिए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? कार्तिक। कार्तिक। आपका? सत्यम। सत्यम। आपका? नीरज। नीरज। नीरज, सत्यम, कार्तिक विश्वविद्यालय के छात्र हैं। यस। महामना जी को भारत रत्न कब मिला था, किस सन में मिला था? आई डोंट नो, नो आईडिया, आई डोंट नो। वाह, चलिए, कोई आइडिया नहीं है विद्यार्थियों को, और जानना चाहिए विद्यार्थियों को भारत रत्न कब मिला था मालवीय जी को। यहाँ पर कुछ भैया लोग बैठे हैं, आइए हम लोग इनसे भी बात करते हैं। भैया, आपका शुभ नाम? मनोज। मनोज। आपका? अनूप। विश्वविद्यालय के हैं आप लोग छात्र? नहीं, पास आउट हो गए। पास आउट हो गए, खैर कोई बात नहीं, मालवीय सभी के हैं। हाँ। अब मालवीय जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? आज उनका जयंती है, जन्म जयंती है आज। बस मालवीय जी की वजह से सब लोग यहाँ हैं। मालवीय जी की वजह से सब लोग आगे भी जहाँ जाएंगे मालवीय जी। आपका शुभ नाम? मयंक पांडे। आप? मालवीय जी की मेहनत से ये विश्वविद्यालय खड़ा हुआ है जी। चलिए, थैंक यू भैया। आइए, इधर भी तीन भैया लोग जा रहे हैं, इनसे हम लोग बात करते हैं। क्या भैया? आपका शुभ नाम? दिग्विजय सिंह। वाह, नाम के अनुरूप ही आपकी चाल भी। आपका शुभ नाम प्रभु? पुष्पेंद्र सोनकर। पुष्पेंद्र। आपका? उदय सिंह। आप लोग विश्वविद्यालय के छात्र हैं? नहीं, नहीं। आप हैं छात्र। वाह, थोड़ा बताएंगे कि मालवीय जी को भारत रत्न कब मिला था? याद नहीं मेरे को। याद नहीं है? बस याद है 1916 में स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई? बीएचयू की विश्वविद्यालय की। और पंडित जी के माता जी का नाम? याद नहीं। याद है विश्वविद्यालय के? नहीं याद है। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे, हाँ जी, किसको, इस ग्रुप को?
इस ग्रुप को एक्सक्यूज मी हेलो 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 सूर्यताम 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 आपका शुभ नाम आलोक आलोक आपका शुभ नाम निशांत निशांत विश्वविद्यालय के आप लोग छात्र हैं हाँ हाँ अच्छा किस किस कोर्स में हैं आप लोग मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सर अच्छा अच्छा इधर देखिए सोशल साइंस है तो आप ये बता सकते हैं कि मालवीय जी की मृत्यु कहाँ हुई थी किस जगह पे हुई थी किस जगह पे देखिए उनका तो इलाहाबाद के थे वो और उनका जन्म कहाँ हुआ था इलाहाबाद हाँ इलाहाबाद चलिए बहुत बढ़िया हाँ आगे भारत रत्न से सम्मानित भारत रत्न कब मिला किस सन में इधर अभी जब 2000 के बाद ये 2008-09 के अप्रोक्स कंफर्म नहीं है आपको बाकी आपके तो साथी लोग सब भाग गए छोड़ के आपको ऐसे साथी बनाते हैं यार भाग गए चलिए चलिए खैर कोई बात नहीं आइए हम लोग और लोग से देखते हैं बातचीत करते हैं देवी जी लोग कोई बात नहीं करती हैं सब भाग जाती है ना उठ उठ के यहाँ यहाँ लोग बैठी है